शास्त्रीय नृत्य को हमारे समाज में स्थान दिलाने का श्रेय श्रीमती रुक्मिणी देवी को जाता है। कई शताब्दियों के विदेशी प्रभावों के कारण नृत्य कला को हम हेय दृष्टि से देखने लगे थे, और जिस तरह उत्तर भारत में नृत्य तवायफों और राज नर्तकों का व्यवसाय बन गया था, उसी तरह दक्षिण में नृत्य देवदासियों और नटवरों की संपत्ति बनकर रह गया था। उच्च ब्राह्मण परिवार की रुक्मिणी देवी ने इस सामाजिक बंधन को तोड़ा और पहली बार नृत्य को कला के रूप में प्रदर्शित किया। उन्होंने सन 1936 में कला क्षेत्र की स्थापना की। नृत्य हमारे समाज का अंग बन गया। कला क्षेत्र में रुक्मिणी देवी ने पंदनल्लूर, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, चोकलिंगम पिल्लई और पापनासम शिवम जैसे महान नृत्य और संगीत के गुरुओं को साथ लाकर कला क्षेत्र को कला का चरम रूप दिया। एक महत्वपूर्ण बात यह भी हुई कि इसी के साथ नृत्य कला का पहला संस्थान बना। आज कला क्षेत्र शास्त्रीय भरतनाट्यम का सर्वोपरि संस्थान है। उनकी कला की सूक्ष्म समझ ने अभिनय के गीतों में भक्ति की भावना को उभारा। उन्होंने नृत्य के सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए नृत्यकार की वेशभूषा में कई परिवर्तन किए। पिछले 50 वर्षों के उनके सहयोगी श्री शंकर मेनन ने रुक्मिणी जी के शुरुआत के दिनों को याद करते हुए कहा, She was always a wonderful singer. Even now, she sings extremely well. वो बहुत अच्छी गायिका थी और आज भी बहुत सुंदर गाती हैं। 30, I believe, she saw Pavlova dancing in Bombay. 1930 में उन्होंने एना पावलोवा को बंबई में नाचते हुए देखा और उसके कुछ ही दिनों बाद वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई थी। उन दिनों लोग जहाज से यात्रा करते थे। And she found to her surprise that Pavlova and her company were traveling on the same boat. और उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने पावलोवा को उसी जहाज में यात्रा करते पाया। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। She said to Rukmini Devi, "Why don't you learn dancing?" And Rukmini Devi said, "But I am too old to learn dancing now." She said, "Nonsense! You are nothing of the kind. You will be able to dance." रुक्मिणी जी को नृत्य की तरफ उत्साहित किया और नृत्य का पहला पाठ सिखाया। मजे की बात यह है कि रुक्मिणी देवी की पहली शिक्षा भारतीय नृत्य में नहीं बल्कि रूसी बैले में हुई थी। I met her in Bombay and she was giving a performance and then in London. But long बंबई में मैंने उनका नृत्य प्रदर्शन देखा था और तभी मैं उनसे मिली थी। फिर लंदन में भी मिली। बचपन से ही मेरी कलात्मक रुचि थी, खासकर संगीत और चित्रकारी में। मुझे उस समय नृत्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नृत्य जैसी भी कोई कला है, इसका ज्ञान मुझे नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार के लोगों ने कभी इस तरफ प्रोत्साहन नहीं दिया था। इसलिए जब मैंने पावलोवा को देखा तो एक बहुत सुंदर अनुभूति का एहसास हुआ और मैंने नृत्य के बारे में जानना चाहा, खासकर भारतीय नृत्य। गोवर्धन गिरधर
such beautiful dancing existed. हमारा नृत्य इतना सुंदर है ये मैं नहीं जानती थी और इसे सीखने की मेरी इच्छा हुई सिर्फ शौक के तौर पर क्योंकि मेरी आयु उस वक्त 24 वर्ष की हो चुकी थी। I asked the teacher to teach me. I was negotiating with the teacher, but first I saw a very great dancer. सबसे पहले मैं मिली मैलापुर मंदिर की महान नर्तकी गौरी अम्मा से। उनसे सीखने के बाद मैंने मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई से सीखा। हर सुंदर चीज से मुझे बेहद प्यार है और मैंने जाना कि मैं नाच सकती हूँ। महान संगीतकारों ने भी मेरी मदद की और यहीं इस संस्थान की शुरुआत हुई। Many eminent scholars, musicologists, musicians who came in a group to me, and they said we must do something together. हम सबों ने विचार किया कि अपनी संस्कृति की शिक्षा और कला के विकास के लिए हमें कुछ करना चाहिए। So I said, let us start an organization so that we will have a school, because there was already a school I was helping with, and start. मैंने कई महान नृत्यकारों और संगीतकारों को आमंत्रण दिया और अंतर्राष्ट्रीय कला संस्थान की स्थापना हुई। बाद में हम लोगों ने इसे कला क्षेत्र का नाम दिया। हमारी शुरुआत बहुत छोटी सी थी। जैसा कि मैंने अक्सर कहा है, एक गुरु, एक शिष्य और एक पेड़। नृत्य उन दिनों बहुत प्रचलित नहीं था और लोग अपने बच्चों को नृत्य सीखने के लिए नहीं भेजा करते थे। लड़कों के लिए नृत्य सीखना तो उचित ही नहीं समझा जाता था। धीरे धीरे कला क्षेत्र का विकास हुआ और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं 1958 में अपने पिता के साथ यहाँ आया था। वो कथकली सिखाते थे। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि मैं नृत्य सीखूं। Had to bring me here out of compulsion from different people and also some relatives of mine. He managed to get a scholarship for me and Rukmini Devi ji, our director. लेकिन मुझे रुक्मिणी देवी ने स्कॉलरशिप दिया और मैंने 6 वर्षों तक यहाँ नृत्य का अभ्यास किया। Then later on, I had to appear for the Government of India scholarship, which I won. I had 1 year. उसके बाद एक साल तक अपने पिता से सीखने के बाद मैं कला मंडलम कृष्ण नायर से सीखने गया। शिक्षा पूरी होने पर रुक्मिणी जी ने मुझे कला क्षेत्र में पढ़ाने का अवसर दिया और तब से मैं यही हूँ। देवी के प्रथम शिष्यों में से हैं। कला क्षेत्र की प्रथा को बढ़ाते हुए अब वो अपनी संस्था चला रहे हैं। उन्होंने रुक्मिणी देवी द्वारा रची हुई कई नृत्य नाटिकाओं में भाग लिया था। When I started my dance, well, as we were very small, we were asked to sit in the class. मैं बहुत छोटा था जब मैंने क्लास में पहली बार रुक्मिणी देवी को नृत्य अभ्यास करते देखा। Seeing for the first time that when she did Alaripu with neck movement, ta tei teiyum ta. जैसे ही उन्होंने अलारीपू शुरू किया तो उनके गर्दन हिलाने पर
मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया. I started laughing. She never expected that. She said, Lakshmana, why you laugh? Don't laugh. वो चौंक सी गई थी. उन्होंने कहा, लक्ष्मण, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है. तुम ध्यान से देखो. तब मैंने उन्हें ध्यान से देखना शुरू किया और थोड़ी ही देर में मैं उनके नृत्य में खो गया. कला क्षेत्र में बचपन से ही नृत्य की शिक्षा आरंभ की जाती है. कई वर्षों के लगातार कठिन अभ्यास और आराधना के बाद ही नृत्य का सौंदर्य निखरता है. कला क्षेत्र में भरतनाट्यम के अलावा कथकली जैसे अन्य शास्त्रीय नृत्यों तथा संगीत की भी शिक्षा दी जाती है. रुक्मिणी देवी ने हमेशा से ही बहुमुखी विकास पर जोर दिया है. इनकी ही दूरदृष्टि का फल है कि कला क्षेत्र ने भरतनाट्यम की परंपरा में अपना अमिट स्थान बनाया है. The four different styles that we are told. भरतनाट्यम में चार मुख्य घराने हैं. पंदनल्लूर, तंजावुर, कांजीवरम और वडवूर. Well, I don't remember at that time what style that I could be able to demonstrate, but the Kalakshetra style that from the beginning I was told, so that has got established in me. शुरू से ही मेरी शिक्षा कलाक्षेत्र की पद्धति से हुई, जो कि इनसे थोड़ा अलग है. When you keep the hand like that, it should not be like this. You see the difference, because the position, the wrist plays. मुख्य अंतर हस्त मुद्रा का है. जैसे कलाई का मोड़ या केहुनी का स्थान ऐसे होता है. पताकम हस्तम. Suppose if it is I show the moon like that, when I show, it should not be like this. You can see the difference.
that it is as if it is a broken hand. So all these things, my teachers were particular. Whenever we show, say, अब जैसे चंद्रमा के लिए हस्त मुद्राएं ऐसी हैं। I should not show this. You see the position of the hand. The again the elbow plays an important place. It should not be crooked. All these lines. Whether I do this, I cannot do this. Everything. There is a line from there to here. So these things were we were very carefully taught. For instance, this mudra. I cannot do like this. इन सभी बातों का कला क्षेत्र में बहुत ध्यान रखा जाता है। Everything perfect, well placed. हर चीज संपूर्ण और निर्दोष होनी चाहिए। Actually, people call it Kalakshetra style. दरअसल लोग इसे कलाक्षेत्र की शैली का नृत्य कहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपने गुरुओं से सीखा, जो कि पारंपरिक थे, गौरी अम्मा और मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, जो कि तंजौर से थे, शुद्ध शैली में नृत्य करते थे। मैं भी परंपरा के अनुसार ही चलती हूँ। मैंने नृत्य के प्रदर्शन और वेशभूषा में कुछ परिवर्तन किए हैं, लेकिन उसकी पारंपरिक शैली में नहीं। As I saw it, because before I danced, the dance had already become mixed up with many other varieties of culture, and the traditional was nearly lost. So कला क्षेत्र की शैली प्राचीन परंपरागत शैली पर आधारित है, जैसा कि मैंने इसे पहली बार देखा था। क्षेत्र की शुरुआत के दिनों से ही नृत्य सीखने वालों में शारदा हॉफमैन का नाम आता है। अब वो यहाँ भरतनाट्यम की गुरु हैं। कला क्षेत्र में समुचित गति, सामान्यता और संपूर्णता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रुक्मिणी देवी मीन्स एवरीथिंग टू मी प्रैक्टिकली। आई थिंक शी इज टू पुट इट इन अ शॉर्ट वे शी इज अ सोर्स ऑफ माय इंस्पिरेशन। रुक्मिणी देवी मेरे लिए सब कुछ है। संक्षेप में वो मेरी प्रेरणा है। मैं जो भी करती हूँ उन्हीं का सिखाया हुआ है। To many of us, most of us in Kalakshetra, she has been an outstanding personality. Kalakshetra में हमने उनसे हर तरह की प्रेरणा पाई है। भारतीय संस्कृति के बारे में सीखा है और सच पूछे तो जीवन के बारे में जाना है। For me, she is a living goddess. मेरे लिए वो एक देवी समान है। She is an inspiring soul to us. मैंने सब कुछ उन्हीं से पाया है। अगर हमें कला से सच्चा प्रेम है, तो फिर हर सुंदर चीज से हमें प्रेम होना चाहिए। प्रकृति से, जीव से, बच्चों से, जानवरों से, सबसे। ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे और हम आसपास की हर चीज से प्रेम करेंगे। And more than the outer form सौंदर्य of beauty, सिर्फ बाहर ही नहीं होता, हमारे अंदर भी है। Character is part of art too, part of living. And therefore, if you are in harmony with अगर हम प्रकृति के साथ समभाव से चलते हैं,
तो निश्चित ही हमें मनुष्य के साथ सहानुभूति करने की प्रेरणा मिलती है। और ऐसा होगा तो हम कभी मनुष्य के खिलाफ नहीं होंगे, और ये शांति की पहली निशानी है। प्रेम और सहृदयता दो बहुत ही सुंदर भाव हैं। कला हमें इस ओर प्रेरित करती है, इसीलिए मुझे हर चीज से प्रेम है। और दूसरी बात ये है कि ये सारी चीजें हमें निस्वार्थ बनाती हैं। हमें लोगों को इन चीजों के बारे में जागृत करना होगा, इसीलिए यहाँ नृत्य कला के साथ साथ और भी शिक्षाएं दी जाती हैं। और शांति पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंतर को शांतमय बनाना होगा। आधी शताब्दी से लगातार नृत्य कला की उपासना करते हुए रुक्मिणी देवी ने हमारे समाज को वो देन दी है जिसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। अनगिनत नृत्यों और नृत्य नाटिकाओं की रचना आपने की, और आने वाला हर सांस्कृतिक युग आपका अनुसरण करेगा।